नहीं, अब तो ये सारी चीजें आ गई। जिस प्रकार से अब इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड का एक्सपोजर हुआ, तो सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। और जो मुख्य विपक्षी दल है, ये डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी नहीं है। चुनाव की तिथि की ऐलान हो चुका है, लोग अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया। उस वक्त में आप क्या दिखाना चाहते हैं? तानाशाही दिखाना है तो घोषणा कर दीजिए ना कि चुनाव नहीं होगा, सारे पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है और ये सरकार आजीवन रहेगी। देखिए लोगों के बीच में जाकर। तो इस प्रकार का जब रेफरेंडम आने वाला हो, एक तरफ तो आप लंबा लंबा बात करते हैं दुनिया में जाके घूम के कि हमारा डेमोक्रेसी है और यहां पर आपका क्या चरित्र है, तो ऐसे डरे हुए लोग इस प्रकार के, हमको तो लगता है कि अब सभी पार्टी मुख्यालयों में अब केंद्रीय बलों के द्वारा हमला भी हो सकता है। निश्चित तौर पे आप यदि बैंक में हमला कर दिए तो कार्यालय को भी उड़ा देंगे। अब राष्ट्रपति जी को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को अविलंब बर्खास्त करते हुए चुनाव आयोग को निर्देशित करना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय को, उनको सलाह देना चाहिए कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाएं।